Am I missing out on something? मैं कुछ समझी नहीं। पिछले एक हफ्ते में दो इवेंट्स कैंसिल किए गए और मेरी 5 कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया। तो अगर कोई है जो कुछ समझ नहीं पा रहा तो वो मैं हूं। देखिए ईमान, बात सीधी सी है। हम बेशक लोगों के लिए काम करते हैं, कभी खुद को तरजीह देते हुए, कभी खुद को भुलाकर, लेकिन नजर हमारी बस उस फायदे पर होती है जो हमारे काम से जुड़ा होता है। और आपने भी वो फायदा देखकर हमारा साथ दिया था और हमने भी इसीलिए आपको ऑन बोर्ड लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं रही। यू नो, आपकी मेड वाला केस, अदालतों से गैर हाजिरी, आपके हिसाब से आप ठीक कर रही होंगी, लेकिन नवाब में ना आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती जा। अच्छा, तो अब आप चाहती हैं कि आपकी ये फाउंडेशन कोई ज्यादा पॉपुलर फेस या नाम चलाए, वो फाउंडेशन जिसे मुझसे पहले कोई जानता भी नहीं था। आप हमारे काम को चैलेंज कर रही हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं। गलती से एक बार सच बोलिए। आपने कितनी बार सच बोला है हमसे मिलने के बाद ईमान? ऐसे ही पूछ रहे हो? यहां कोई वकील नहीं है। मशवरा दूं आपको, लोगों से लिया हुआ चंदा उन्हीं पर खर्च किया करें। एक महीने में तीसरी बार मोबाइल बदलाया आपने। गुड लक। खुदाबख्श जी। सर बेगम साहिबा कहना भाई पूछा तो केना भाई बेगम साहिबा नहीं हो आरिज बाबा कितने आरिज बस अरे गलाए भी बता के नहीं गई सही बता के नहीं गई क्या मतलब बता के नहीं गई कहाँ गई है सही बोला नहीं हूँ आलिया आलिया आरिज बाहर आओ आरिज आलिया आरिज कहां मर गए सबके सब साम, साम, साम। जी जी सर कहां मर गया था तू यहीं था सर आलिया कहां है सर मुझे नहीं मालूम मैंने पूछा आलिया कहां है सर मुझे सच में नहीं मालूम सर कसम खुदा की मुझे तू मिला हुआ था ना उससे नहीं सर मैं नहीं मिला तू जानता है वो कहां गई है नहीं सर मुझे नहीं पता सर अपने यार के साथ भागी है वो सर आपकी कसम मुझे नहीं मालूम सर माफ कर दे मैंने कुछ नहीं वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा सर मुझे माफ कर दे सर मैंने कुछ नहीं सुन ढूंढ के लाओ उसे तुझे सिद्धा नहीं छोड़ूंगा मैं जी जी जी
कुछ बातें अखबारों के सफों तक रह जाती हैं, कुछ हमारे जहन तक बाहर नहीं निकल पाती। कहते हैं मीडिया आजाद है, लेकिन सच तो यह है कि हम सब इस आजाद मीडिया का हिस्सा होते हुए भी अपनी अपनी कैद में हैं। वही कहने के पाबंद हैं जो लोग हमसे कहलवाते हैं। मैंने भी कई अरसा ये किया, लेकिन अब नहीं कर सकती। इसलिए मैं बुशरा हबीब लॉन्च कर रही हूं अपना YouTube चैनल, ताकि वो कह पाऊं जो हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। अगर मेरी बात आपके दिल को लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फौजिया की मां आई थी, तुम उसको क्या मशवरा देकर आई हो ईमान? जब वो आपको बता चुकी है कि मैंने क्या मशवरा दिया, दोबारा क्यों पूछनी है? और मुझे खुद गर्ज इनसेंसिटिव साबित करने का तो कोई मौका आप लोग जाने नहीं देते। एक मशवरे से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें इतना ही एहसास है ना, तो जाके अपने बाप से मिल लो। उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं है, शायद इस तरह से तुम्हारे दिल की नफरत कुछ कम हो जाए। मैं नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मर्जी है ईमान, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जबान में बात करूं ना, तो लोगों की हमदर्दी हासिल करने का अच्छा मौका है। तुम्हारे बाप की जिंदगी तो कोई फायदा ना दे सकी, कम से कम उसकी मौत ही कुछ फायदा दे जाएगी। डॉक्टर यहाँ आकर भी इसकी पट्टी चेंज कर सकता है, क्या जरूरत है बाहर ले जाने की? सर उसकी हालत तो चेक करें आप। देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। हेलो जी सर, ठीक है सर। ले जाओ इसे बाहर, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर वापस लेके आना। क्या जरूरत थी हरकत करने की? मुझे अपने डैड से बात करनी है। इसको मेरे ऑफिस में लेके जाइए। अमीर बाप की औलाद है साहब, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कतनन कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं है, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है ना ही उसे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत होती है और ना ही वो जीत का ख्वाहिशमंद होता है। और हमारे माशरे में औरतों के साथ जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। मेरी इज्जत पे हर्फ उठाए जाने के बावजूद मुझ पर ही कीचड़ उछाला गया, बेहुदा किस्म के सवाल किए गए। बट आई गेस वो सही कहते हैं कि अपनी लड़ाई देख कर चुननी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर का अमन ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सुकून जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता, वो अपने अंदर ही मिलता है।
मैं पहले भी कोर्ट नहीं गई और मैं अब भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सालार खान को माफ करती हूँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं अपना सारा वक्त वहां देना चाहूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया जाए, इस मामले से दूर रखा जाए। सर, क्या ये दुरुस्त है कि कोर्ट अपना फैसला जल्द सुनाने जा रही है? जी। आप में से मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं मुजरिम नहीं हूं, मुजरिम वो है, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, जिन्हें हर रोज एक नए इल्जाम का सामना करना पड़ता है। वो मुझे भले माफ कर दे, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मेरी उनसे दरखास्त है कि वो अदालत में पेश हो और सच्चाई का सामना करने का हौसला दिखाएं। लेकिन उन्होंने तो अपने वालिद साहब की अदालत का जिक्र खुलेआम किया था। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने वालिद से कोई ताल्लुक नहीं रखा, कोई राबता नहीं की। एनीवे, अगर मैं इस ताल्लुक की वजह बन गया हूं तो अच्छी बात है। प्रेयर्स फॉर हिम। कड़वे कब से हो गया? शुरू से था, देख रहा हूं। अकेले क्यों हैं आप? फैमिली कहाँ है आपकी? अपनी बात नहीं कर रहे कि दूसरी बीवी कहाँ है? दो बच्चे भी थे ना आपके, वो नहीं मिलने आते? बैठो बैठो ही मां। आपके जाने के बाद से बैठी नहीं हूं मैं। लड़ती रही हूं खुद से, लोगों से, हालात से, इस दुनिया से। पता नहीं क्या कहूं आपकी हालत पर।
शायद मैं भी आपकी तरह हूं, बेहिस। जो चाहो कह लो। आज कैसे ख्याल आया? माफी मांगनी थी तुमसे। सालों से आपकी चिढ़, आपकी नफरत, आपका गुस्सा, पता नहीं किस किस पर निकालती रही हूं मैं। तो सब मुझे आपके जैसे लगने लगे। मुझे पता, मैंने तुम्हारे साथ और रुबीना के साथ अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल खुश है, सब आराम मिला है उन्हें, मैंने दिया है। अगर कोई ठीक नहीं है तो वो खुद आप है। देखे खुद को। इनफैक्ट मुझे देखे, मेरी माँ बदसूरत लगती थी ना आपको, मैं कैसी लग रही हूं? मुझे देखे, मैं अच्छी लग रही हूं। हाँ बस कर दो, बस कर दो। नहीं देखे मुझे, यही थी ना आपकी जिंदगी? बोल चुकी, अब मैं बोलूं? आखिरी बार मैं जानता बहुत गलतियां हुई हूं मुझसे, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा, क्यों सारे फैसले तो मेरे अपने थे, तो फिर इल्जाम किसको दूं? वक्त ने अच्छा सबक सिखाया है, अज़रा भी मुझे ऐसे ही एक दिन छोड़ गई जैसे मैंने तुम्हें और रुबीना को बेघर किया था। तुम्हें तुम्हें यहां बुलाने और ये सब बताने का मकसद तुम्हें तंग करना नहीं, मैं तो बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता। तुमसे और रुबीना से बहुत सारी बातें करती, लेकिन कभी सही तुम आई यही बात। Whatever I did, I lived my life. You should also do the same. बस मुझे एक बात, तुम मुझसे बेहतर, मैं चलती हूँ बेटा। गले लगा लो बेटा।
एक बार आप इनका ख्याल रखिएगा। बहुत मुश्किल है, आप मुझे खुद बताइए इस मामले में मैं आपकी क्या मदद करूं। असन साहब वो कहीं अपने आप से कुछ करना ले। मैं खुद ऐसी सिचुएशन में हूं, सबकी नजरें मेरे ऊपर है, मुझे खुद को इस मामले से दूर रखना पड़ेगा। चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। असान साहब बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं, उस लड़की को आपने वहां क्यों बुलाया? आपको अपने बेटे का पता नहीं था? असान साहब आपने भी तो अपने बेटे के हाथ में फोन दे दिया था, उसने आपकी गैरत का जनाजा निकाल दिया। कभी कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम कितने पीछे रह गए हैं और हमारी औलाद कितनी आगे निकल गई है। क्या इस मुल्क में तमाम वालदैन को पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? हो गई हमसे भी ये गलती। मेरा ख्याल है अब आपको जाना चाहिए असान साहब। आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। इल्जाम की नौयत चाहे जो भी है, सबूत के बगैर किसी नतीजे पर पहुंचना कानून के लिए नामुमकिन। इस केस में हमें कोई ऐसे शवाहिद मौसूल नहीं हुए जिनकी बिना पर यह कहा जा सके कि ईमान मंसूर को किसी भी तौर पर हरासा किया गया है। आगे भी कई ऐसे मौके थे कि ईमान साहिबा मजीद विटनेस पेश कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत औरतों का एहतराम हमेशा से करती आई है और करती रहेगी, लेकिन जुर्म वही है जो साबित हो सके। इसलिए अदालत सालार खान को तमाम इल्जामात से बरी करते हुए ईमान साहिबा को अदब इज्जत की बिना पर 50 लाख रुपए जुर्माना देने की हिदायत करती। द कोर्ट इज एडजर्न। क्या नाम है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का? तो हाँ बताओ कितने पैसे मांगता है? मैं दूंगा उसे सारे एविडेंस खत्म करने। कल का टाइम लो उससे और सुनो, मुझे मेरा बेटा हर हाल में बाहर चाहिए, समझे?
क्या कह रहे हैं वो लोग? सारा मसला सीसीटीवी फुटेज का है जो पुलिस की तहवील में है। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बच्चा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। पहले तो सब ठीक जा रहा था मगर आगे की कोई गारंटी नहीं दे। आखिर क्या हो गया ये सब कुछ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने बेटे का इलाज करवाओ उस पागल का, लेकिन तुम मानी नहीं, अब अफसोस करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारा बेटा कोई पागल तो नहीं है। तुम्हारे उस पागल बेटे ने एक लड़की के हाथ तोड़ दिए शर्मीन बेगम। एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो लोग अब उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आप प्लीज मेडिसिन ला दें। तुम भी मेडिसिन खाओ, अपने उस पागल बेटे को भी दो और बंद करो अपने ये ड्रामेबाजी। I'm really grateful that you came. मुझे नहीं लगा था कि आप मिल लेंगे इतनी आसानी से। मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर आपका आर्टिकल पढ़ा मैंने, काफी तहलका मचा दिया आपने। इनिशियली वो आर्टिकल आप पे लिखना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपसे मिले बगैर, आपकी बात सुने बगैर कुछ ना करूं। क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? सच बोल सकते हैं? मैं अरसे से सच ही बोल रहा हूं बुशरा। सच के भी कहीं पहलू होते हैं सलार साहब, और हम अक्सर उसी पर तवज्जो देते हैं जो हमें या किसी और को अनकंफर्टेबल ना करे। जैसे मेरी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, खुद को और दूसरों को मुतमईन करने के लिए झूठ बोलती रही। वो झूठ जो उसके लिए सच था, उसकी जान ले गया। सॉरी, क्या आप अपने दिल की बात नहीं करना चाहेंगे? आपको पता है बुशरा, ये जीत, मुझे जीत जैसी महसूस नहीं हो रही। मुझे दिख रहा है, बस बस वजह जानना चाहती हूँ। I'm sure सब जानना चाहते हैं। आप इतने बड़े बड़े चैनल्स पर आए हैं, आप भी जानते हैं कि वो लोग आधा सच तो काट देते हैं। मेरे छोटे से YouTube चैनल पर आकर अपने दिल की बात कर तो देखें, खुद को हल्का महसूस करेंगे। एक बात पूछ सकता हूँ? किसी और कंप्लेन ने आपको अप्रोच नहीं किया? इस मामले में मैं और आप बिल्कुल एक जैसे हैं सलार साहब। मतलब? मतलब ये कि मुझे भी कैंसिल कर दिया गया। लवली। जासिम, फर्नीचर ब्रांड के डीवीसी के लिए अप्रोच करें सलार को, डिमांड बढ़ रही है यार उसकी। केस जीत गया है वो। कैसे केस जीता है ये भी जानता हूं, हमें प्रमोशंस के लिए उसकी जरूरत नहीं है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई जाती मामला है उससे? No. Why did you say that? वैसे सुनने में आया था। सुनने में आया था।
आई नो तुम दिल में रख लेते हो लोगों की बातें, लेकिन काम तो करना है ना। ठीक है, मिल लूंगा उससे, बुला लो उसे। देखो, do we really have to go with her? वो बात नहीं रही अब। वैसे भी हर कोई सलार सलार कर रहा है। I feel कोई better option ढूंढना चाहिए। मर्जी है, देख लो। Celebrity तो है। ये देखो। मुदस्सिर साहब, ये अब्यूज ऑफ पावर तो चलता रहा है और चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो यानी केस हारने के बावजूद भी ईमान आपके इदारे से मुंसलिक है? ये किस किस्म का सवाल है? क्या मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा? अगर आप चाहें तो। ईमान और हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो हो जो अपने वर्ड पर कायम रहे। तो अब सबकी ऑनेस्टी की बात। तो है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं हार्ड लाइन विद मुदस्सिर। सर, इस इदारे को 20 साल दिए मैंने, ऐसा होगा मेरे साथ? लोगों का प्रेशर बहुत बढ़ गया इरफान साहब। व्हाट प्रेशर सर? एक 2% की जर्नलिस्ट मेरे बारे में कुछ भी कहेगी और आप लोग यकीन कर लेंगे? सारे एम्प्लॉइज आपके खिलाफ हैं, अब कोई आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा है। आई एम सॉरी, यू हैव टू लीव।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।